आप जानती हैं कि हमारे डॉक्टर्स के रिफ्लेक्सेस ऐसे हैं कि हम फौरन को हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मरीज की जान बचाई जाए लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि उस पेशेंट से मैंने कोरोना कैच किया है एमरजेंसी ड्यूटी के दौरान जबकि मैं उसकी जान बचा रहा अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं क्यू एस हेल्थ और मैं हूं चटा आज के टॉपिक पर जाने से पहले आ, मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्यू एस हेल्थ चैनल हमने कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंडर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को घर बैठ के हेल्थ रिलेटेड आपके जितने मसले हैं उनका जवाब आपको घर बैठ के बहुत आराम से मिल सके आज हम बात करेंगे करोना पे पर करोना की जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं आज हमारे साथ हैं करोना कोविड सर्वाइवर डॉक्टर उमैर अफजल उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका कोरोना का सारा जो जर्नी था जब उनको कोरोना हुआ उन्होंने क्या फ़ील किया और वो आप लोगों से क्या शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों में से खुदा ना खासा किसी को हो तो आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या कैसे ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए असल डॉक्टर उमैर कैसे हैं आप जी वालमद्ला का शुक्र ठीक ठाक अच्छा डॉक्टर उमैर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको जो नाजरीन मेरा ख्याल सबसे पहली चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे वो ये आपको कोरोना हुआ कैसे था बेसिकली जब कोरोना की पहली लहर थी जब पहली वेव थी तो उसके अंदर एक आम एमरजेंसी के अंदर ड्यूटी पर मैं मौजूद था एमरजेंसी पे ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट आई हमारे पास बिल्कुल लॉस ऑफ़ कॉन्शियसनेस के साथ और उनकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी आप जानती हैं कि हमारे डॉक्टर्स के रिफ्लेक्सेज ऐसे हैं कि हम फॉर को हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मरीज़ की जान बचाई जाए पहली लहर थी शायद उस वक्त तक हमारे भी दिमागों के अंदर इतना डीपली नहीं बैठा था कि हमें क्या प्रिकॉशन्स करनी हैं क्या नहीं अलबत मैं सिर्फ ग्लव्स पहन के और मास्क पहन के उस पेशेंट को अप्रोच किया मैंने आ, उस पेशेंट का सीपीआर करते हम ऑफ कोर्स ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि कोरोना पेशेंट है या नहीं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि उस पेशेंट से मैंने कोरोना कैच किया एमरजेंसी ड्यूटी के दौरान जबकि मैं उसकी जान बचाने में मशगूल था ये तो बहुत बहुत ही हमारा डॉक्टर्स ने इस टाइम पे जितना अफसल काम किया है और जितनी नेकिया आप कमा चुके ना फॉर लाइफ <laughs> अच्छा मुझे ये बताइए कि आप आपको चले उसके बाद पता कैसे चला था कि आपको करोना है तकरीबन दो हफ्ते गुजर गए थे इसके बाद डेढ़ से दो हफ्ते उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने जिसम के बड़े पट्ठों के अंदर थकावट दर्द खिंचाव महसूस होना शुरू हुआ ये आपको पहला सिम्टम जी ये पहला सिम्टम था हल्का हल्का जिसम गर्म होना शुरू हुआ थर्मामीटर पे चेक किया लेकिन बुखार नहीं था बुखार नहीं ठीक है जो मेन पहली चीज मुझे स्टार्ट हुई वो थी जिसम के बड़े पट्टों में खिंचाव और दर्द इनिशियली मुझे लगा कि शायद मैं दिन में काफ़ी ड्राइव करता हूँ जिसकी वजह से शायद मैं थक गया हूँ शायद कैल्शियम वाइटामिन डी की कमी है या शायद रोजमर्रा क्या मौसम की तब्दीली है लेकिन जब ये तीन चार दिन तक ऐसे चलता रहा चलता रहा फिर मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ रूटीन से हट के फिर मैंने अपना बुखार चेक किया थर्मामीटर पे तकरीबन सौ एक सौ एक बुखार भी आ गया फिर उस वक्त चूँकि मेडिकल की फील्ड से वा हैं, है रबते में हैं तमाम फिजिशन से तो पहला शक यही था कि कोरोना है, नहीं। है। नहीं। फिर तकरीबन उससे दो तीन दिन बाद जब टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव आ गया घर में किसी और को हुआ था जी बिल्कुल मैं क्लोज़ कॉन्टेक्ट में था अपनी वाइफ के साथ वो मेरे साथ थी तो उनको भी तकरीबन मुझसे दो तीन दिन के बाद ये सिम्टम्स आने लग गए आने लग गए थे तो उसके बाद घर में आप आप दोनों को हुआ तो फिर आप लोग आइसोलेट हो गए थे जी बिल्कुल जो उस वक्त गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हम लोगों ने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया सारे बाकी घर वालों से और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आजमाइश बात थी वो ये थी कि हमारी छोटी बेटी सिर्फ पाँच महीने की थी अच्छा हमें उससे दूर होना पड़ा अच्छा। अलहमदिल्ला उसको कोई सिम्टम नहीं आए उसको बुखार भी नहीं हुआ वो अच्छी सेहत में रही लेकिन ये कि हम घर के ऊपर वाले पोर्शन में आइसोलेट हो गए और हमने अपनी छोटी बेटी अपने माँ बाप के हवाले कर तो आपकी जो टेक केयर है सारा खाना पीना वगैरह वो सारा पेरेंट्स फे कर रहे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी छोटी बेटी को और जो सारा मुझे क्वारंटीन में जिन्होंने आसरा दिया जिन्होंने मेरा ख्याल रखा वो मेरे पेरेंट्स थे मेरे बहन भाई थे आपको बीच में किसी टाइम पे कहीं डर लगा कि भाई ये क्या हो गया है क्या इसका होगा तो फर्स्ट लेयर में फर्स्ट वेव जब थी उसकी तो पैनिक बहुत ज़्यादा था तो जी बिल्कुल असल में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी नहीं। और फ़र्स्ट वेव के दौरान एक दिन कोई क्वारंटीन के सातवें दिन मुझे रात के एक बजे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांस खिंच रही है मुझे सांस ठीक नहीं आ रही और एक बजे का टाइम था मैं मेरा घर जो है वो शहर से काफ़ी बाहर हटके है तो काफ़ी दो तीन दफ़ा सोचा कि मजीद किसी डॉक्टर को अप्रोच किया जाए कि ना किया जाए लेकिन ये कि अपने दीगर अजीजों का से मशवरे के बाद मैं फ़ौर अपना एक्सरे करवाने गया एक्सरे के ऊपर चेंजेस थे, थे। एक्सरे के ऊपर चेंजेस इस बात को पॉइंट करते थे कि शायद ये कोरोना की पेचीदगी है शायद ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है अलहमद लेकिन सचुरीशन चेक की सेचुरेशन ठीक थी जी और सांस सैचुरे का मसला परसिस्टेंट था लेकिन अलहमद फिर कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मशवरे के बाद मैंने स्टीराइड शुरू कर दिए और अल्लाह का शुक्र है दो तीन दिन में वो मसला ठीक हो गया तो आपकी मिसेस को कोई ऐसी की तरफ उनका कहीं नहीं, नहीं अल्लाह का शुक्र पेदगी मेरी मिसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं थ्रू आउट द उनको एक नॉर्मल डिजीज का कोर्स रहा उनको बुखार और जिसम दर्द उनमें भी प्रीडामिनेट था लेकिन मेरी मिसेस को जो साथ था टेस्ट का मसला हो गया था उनको आप जानती हैं कि कितना मैटर करता है तो उनको टेस्ट का मसला रहा और वो मुझसे अलग था इस मामले में ठीक ठीक और इस टाइम पर मेडिकेशन वगैरह फिर आप लोग किस तरह से लेते रहेंगे लेकिन कोई जरूर बताइएगा कि होम मेडिकेशन के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं आ, मैं खुद भी मॉलिज हूँ जिस तरह आप जानती हैं मेरी सारी फैमिली भी मॉलेज है इसके अलावा मैं कोरोना के जो सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनसे रबते में था तो मेडिकेशंस जो हमने ली वो एक तो हमने जिथ्रोमाइसिन ली एक आइवर ली दवाई और इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन की सूरत में मुझे स्टीरॉयड डेल्टाकॉट्रिल की फॉर्म लेना पड़ा लेकिन ये सारी जो दवाइयाँ मैंने लीं ये लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक करोना के स्पेशलिस्ट मालद से मशवरा करके लीं हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ स्पेशलाइजेशन है लेकिन स्टिल मैं ने सोचा कि चूंकि ये मेरी फील्ड नहीं है फील्ड नहीं तो नहीं मैंने कोरोना के मालिद से मशवरा किया अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर होने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपके असेस में बिल्कुल आपकी असेस होती है सारे लोगों के साथ और वो आपके साथ कमिटेड होते हैं तो उनके मशवरे से मैंने ये दवाइयाँ ली बाकी अच्छी खुराक रखी अच्छा साफ सुथरा लाइफ स्टाइल रखा डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ किए अपने मशरूबात वगैरह साफ़ सुथरे और गर्म यूज़ किए ये कैल्शियम विटामिंस वगैरह अपने पूरे रखे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस बीमारी से बाहर निकाला अच्छा डॉक्टर वो बहुत दफा ऐसे होता है कि लोग कोरोना को अगर सिम्टम आ गए हैं तो बताने में थोड़ी सी आर महसूस करते हैं जब तक उनके जैसे आपने बताया स्टॉर्म में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था अगर आप अगर आपको पता है आप कोरोना है आप तो खैर डॉक्टर हैं आप तो घर बैठ गए ना बहुत से लोग ऐसे कहते हैं तो थोड़ा बहुत मसला है ना बाहर चले जाएं इधर चले जाएं उधर चले जाएं लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं करते कि मुझे प्रॉब्लम है वो और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं इसके बारे में अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहें तो यमुना मेरे याती ख्याल में जिस तरह आप जानती हैं कि हमारी सोसाइटी में कई कमी और कोताही पाई जाती है मेंटल लेवल पे जिसकी शाह फाउंडेशन जो कि बेसिकली जिसका मेरे ख्याल में हमेशा सबसे हमारी सोसाइटी को ऐसा सोसाइटी लेके चलना और इसको बेहतर बनाना हमारी सोसाइटी में इसको टैबू कंसीडर किया जाता हाँ जी बिल्कुल टैबू बन चुका जी क्योंकि हमारी सोसाइटी में लैक ऑफ नॉलेज या नीम हकीम होने की वजह से उनको लगता है कि ये कोरोना के बारे में बात करके भी या कोरोना के मरीज़ को हाथ लगा के भी या उसको दूर से चाय का कप पकड़ा के भी कोरोना हमें मुंतकिल हो जाएगा हालांकि ऐसी बात नहीं है हर बीमारी का एक ख़ास बिहेवियर होता है कोरोना का बिहेवियर भी एक ख़ास बिहेवियर है हमने उसको समझा नहीं लेकिन हमने उसको एक वबाई मर्ज चूँकि फेस करना पड़ता है मेरे ख्याल में जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें लोग एक टफ टाइम देते हैं चौदह दिन के बाद जब सारा टाइम पीरियड गुजर गया तो उसके बाद आपको प्रॉपर रिकवर आपको फील हुआ कि बॉडी के अंदर कुछ कुछ वीकनेस हो गई है या प्रॉपर रिकवर करने में कुछ टाइम लगा आपको इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि जो दर्द था जिसम के बड़े पट्टों में बाज़ुओं में टांगों में वो तो तकरीबन सात दिन बाद ही सेटल हो गया था लेकिन फिर भी हमने गाइडलाइंस के मुताबिक जो चौदह दिन का क्वारंटीन अलहदगी थी वो पूरी की उसको पूरी करने के बाद हमें फील हुआ कि हम लोग थके थके महसूस कर रहे हैं हम लोग किसी काम में दिल नहीं लगता कोई काम करने को दिल नहीं करता और शायद मोटिवेशन नहीं बना पा रहे थे जिसम साथ नहीं देता था तो बाद में जिस तरह हम बतौर डॉक्टर हमें ये पता है कि किसी भी वायरल डिजीज़ के साथ पोस्ट वायरल फटीक का एलिमेंट है तो इसको पोस्ट वायरल फटीक ही कहा गया और पोस्ट वायरल फटीक तकरीबन तीन महीने तक रही तीन महीने तक उसमें असर जी, रखा अपना जिसम के अंदर तो मेरे जाती एक्सपीरियंस के अंदर मुझे तीन महीने तक मेरा किसी काम में दिल नहीं लगा मैं कर नहीं सकता था मैं एनर्जी नहीं जमा कर सकता था

ये अगर मैं आम फहम जुबान में बात करूँ तो ये अपना बिहेवियर तब्दील कर लेता है ये इन्फेक्टिविटी तब्दील कर लेता है जो नए वेरिएंट सामने आए हैं एक यूके के अंदर वेरिएंट सामने आया इसके बाद एक यूके के अंदर ही वेरिएंट आया जो कि साउथ अफ्रीका से गया है इसके अलावा कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं शायद मैं उनकी तस्दीक नहीं कर सकता लेकिन नाइजीरिया का भी वेरियंट है तो ये सारे वेरिएंट वायरस के अंदर म्यूटेशन यानी कि तब्दीलियाँ हैं तो इनके बारे में जो अभी इनिशियल रिसर्च है उसके मुताबिक ये वेरिएंट्स ज़्यादा इन्फेक्टिव है और इनका आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ज़्यादा से मुराद ज्यादा इन्फेक्टिव से मुराद ये कि ये ज्यादा लोगों में डिजीज कॉज कर सकते हैं ज्यादा लोगों के अंदर अलामत कॉज कर सकते हैं अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज्यादा खतरनाक हैं ज्यादातर लोगों में पेचिदगियाँ ये ज्यादा लाएंगे ये अभी डिफाइन नहीं है लेकिन ज्यादा लोगों को पकड़ के डिजीज के अलामत उनमें ज़्यादा करोना जो अभी चल रहा है कोविड उसके ज्यादा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है इसके अंदर जो हमें बेसिकली चीज जिससे डरना चाहिए वो एक तो ये कि ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया ये ज्यादा लोगों को पकड़ेगा नंबर दो ये कि वैक्सीन का इस पे, इस पे असर आप डिफाइन नहीं कर सकते जो ऑलरेडी भी वैक्सीन बन गई है तो वो तो पुराने के लिए बनी थी ना साइंस दान इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह और उम्मीद है कि इन वो अच्छी खबर देंगे हमें एंड पे ये जरूर बताएगा जब आप सारे इस टाइम पीरियड से गुजरे वो चौदह दिन उससे कुछ सीखा आपने कुछ समझ आई कोई चीज़ जी बिल्कुल आ, जिस तरह हम सब के मैंटोर कासिम अली शाह साहब बताते रहते हैं कि आपकी रूह कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी रूह पे वर्कअप कितना इम्पोर्टेंट है इसी तरह अगर दो मादी चीज़ें जिनको मैं बताना चाहूँ कि जिनको हमेशा आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एक आपका अपना जिसम है और एक आपके रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके माँ बाप मैं अल्लाह ताला की हम पे सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमारे माँ बाप हयात हैं हमारे माँ बाप सेहतमंद हैं जिसकी वजह से वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके शायद मैं अपनी बेटी के मामले में किसी और पे एतबार ना कर पाता तो उन्होंने मुझसे बढ़ के मेरी बेटी का ख्याल रखा उन्होंने मेरा ख्याल रखा बच्चों की तरह उन्होंने सारा हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम बीमारी में हैं तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे उन्हें पुरसकून जिंदगी दे और हमें उनकी कदर करने की तोफ़ी तफ़रमाए नंबर दो ये कि हमें कम अज कम दिन का एक घंटा अपने जिसम पे ज़रूर वक्फ करना चाहिए एक अल्लाह की ये नेमत है जिसके अंदर हमने 24 घंटे रहना होता है अपनी तकरीबन 60-70 साल की जिंदगी में अगर एवरेज बात करूं तो हमें दिन का कम से कम एक घंटा अपने जिसम को जरूर देना चाहिए बिल्कुल सही डॉक्टर उमैर और इसी चीज़ से मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगी कि एज अ अडाटेशन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज छोटा सा मसला है इसको पकड़ लें हम क्यों इंतजार करते हैं कि पट्टे में दर्द हो रही है ना हाथ जब ये बिल्कुल ही बर्दार से बाहर हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे आज थोड़ा थोड़ा अपनी जिसम पे लगाया उस पर इन्वेस्ट किया टाइम आपको बाकी बीमारियों से बचा सकता है और अगर फॉर एग्जाम्पल कोरोना फॉर एग्जाम्पल अगर हो गया है तो एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी को कोरोना होने का सिम्टम उसकी बर्दाश्त मुख्तलिफ होती है और उसके बरअकस अगर कोई ऐसा जिसम हो ऐसा इंसान हो जिसकी पहले ही डेफिशिएंसीज थी पहले ही प्रॉब्लम थे खातन में कैल्चम वाटो डी के, के मसाले हैं हम नहीं तो देते तो इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ये कि अपने जिसम पे तोज्जो दें कोरोना को आसान मत समझे न्यू वेरियंट है क्या करेगा हमारे साथ अभी हमें नहीं पता है अल करे कि हम निकल आएँ उस इस इस न्यू वेरिएंट से भी वैसे ही जैसे हम पुराने वेव वे में हम अब तक सर्वाइव कर पाएँ इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मनफ्री टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़